खीरा, कद्दू, लौकी, करेला, बीट, गाजर, पालक, मटर आदि फसल में सबसे ज़्यादा जो कॉमन रोग देखा जाता है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। खासकर पॉली हाउस में पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा मिलता है। पाउडरी मिल्ड्यू पोडोस्पोरा ज़ंथी नाम का एक फफूंद के कारण होता है, जिसके वजह से पौधे के पत्ते में सफ़ेद कलर का धब्बे जैसा देखने के लिए मिलता है। पाउडरी मिल्ड्यू टेम्परेचर का कम ज़्यादा होने पर और रात में कोहरा पड़ने पर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। एक बार इसका फैलाव शुरू हो जाने के बाद ये पूरे पौधे में फैल जाता है, जिसके कारण पौधे कमजोर हो जाता है, पौधे का पत्ते का क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, पौधे का फूल फल झड़ जाता है। कई बार ज़्यादा फैलाव हो जाने पर पौधे सूख के मर भी जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा जैविक और रासायनिक उपाय है जो किसान को पता होनी चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू को केमिकली कंट्रोल करने के लिए सबसे असरदार टेक्निकल है टेबुकोनाजोल, जो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन में काम करता है। टेबुकोनाजोल फॉलिक्यूर, लूना, नेटिवो, बोनास, हारू ये सब नाम पे मिलता है। इसके अलावा हेक्साकोनाजोल, डाइफेनोकोनाजोल, टेट्राकोनाजोल स्टार्टिंग पीरियड में इस्तेमाल करने से पाउडरी मिल्ड्यू को आने ही नहीं देता। जैविक तौर पर पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बेसिला सबस्टिलिस नामक एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो पाउडरी मिल्ड्यू के स्पोर को खा लेता है और धीरे धीरे इसका फैलाव कम कर देता है। इसके अलावा सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर के इस्तेमाल से पाउडरी मिल्ड्यू काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे शोध में ये पाया गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, लहसुन, विनीगर, कॉपर सल्फेट पाउडरी मिल्ड्यू की ग्रोथ को कंट्रोल कर देता है। इसके अलावा हमारे देश के कई किसान दूध और छाछ का उपयोग पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए किया करते हैं। 40% दूध या छाछ को 60% पानी के साथ मिलाकर फॉलिया स्प्रे करने से पाउडरी मिल्ड्यू काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए आप समय रहते कोई केमिकल या फिर ऑर्गेनिक दवा का स्प्रे कर लीजिए, क्योंकि अगर इसका फैलाव शुरू हो जाए तब इसका कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार ये भी देखा गया कि एक बार इसका कंट्रोल हो जाने के बाद इसका स्पोर दोबारा से ग्रो होने लगता है, तब उसे कंट्रोल करने के लिए सल्फर का डस्टिंग करना चाहिए, जो काफ़ी अच्छे से पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर देता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके काम में आएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।